हाय गाइस, यू आर ऑन स्माइल आईएएस यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा का लेक्चर वन है, और ट्रिग्नोमेट्री के एक दो लेक्चर अभी बाकी हैं, उसको भी कंप्लीट करा देंगे एक दो दिन में। आवर टैग लाइन इज वीर भोगी वसुंधरा मीन्स दोज हू आर हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस दे कैन अचीव एनीथिंग व्हाट एवर दे वांट। ओके, सो अलजेब्रा का फर्स्ट चीज ये है कि आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर है टोटली फार्मूला पे बेस्ड है, तो आपको बेसिक सारी फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे होल स्क्वायर, होल क्यूब। ओके, सो तो कुछ फार्मूला हम पहले यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं, और उसके अलावा जो क्वेश्चन में आएगा हम उसको वहाँ पे लिखते जाएंगे। ओके, सो पहला जो फार्मूला है, ये सब फार्मूला है। तो ओके, ये पहला फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, और यहाँ पे ए माइनस बी क्या हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे हमने माइनस लगाया, ऐसे यहाँ पे भी माइनस टू ए बी हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब हो जाएगा प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे ये हो जाएगा, उसके अलावा ये ग्लिच थोड़ा आ रहा है, अगर यहाँ जैसे नीचे माइनस लग गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। ओके, तीसरा फार्मूला हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाता है, ए प्लस बी हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है। चौथा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा माइनस बी क्यूब हो जाएगा, तो ए माइनस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी। ओके, ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके, सो ये चार फॉर्मूले हो गए। पांचवा हमारा हो जाएगा पांचवा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ग्लिच आ रहा है थोड़ा सा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस टू ए हो जाएगा, 2ab हो जाएगा प्लस 2bc हो जाएगा प्लस 2ca हो जाएगा। ओके, और छठवां, इसको आपको सब याद करना, याद नहीं करना है, बट जैसे हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो ये याद हो जाएगा। ओके, तो आपको याद वाद यहाँ कुछ करना नहीं है एप्टीट्यूड में।
क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी। तो इसको हम क्या ऐसे फॉर्म में ले सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम सातवां कर लेते हैं, सातवां फार्मूला हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सातवां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल इक्वल यहाँ पे इसको कर देते हैं, ठीक है, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, इसको ऐसे बंद कर दें। इतना आपको अभी ये सब आपको थोड़ा पता होना चाहिए, और आगे जो फॉर्मूला आएगा उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। ओके, तो उसको भी धीरे धीरे हम लिखेंगे, तो ये सब आपको प्रैक्टिस में याद हो जाएगा धीरे धीरे करके, जब प्रैक्टिस आप करेंगे। ओके, सो यहाँ अलजेब्रा में हम जैसे अभी आप कुछ कॉन्सेप्ट सीख लो पहले, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं सो आप कॉन्सेप्ट पहले, जैसे पहला कॉन्सेप्ट, इफ एक्स इक्वल एन हो गया, ठीक है, तो हम जैसे इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जैसे हम अभी क्या करते हैं, पहले दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, इधर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू 1/ एक्स इक्वल एन स्क्वायर हो गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/ एक्स स्क्वायर, ये 2 बचा है यहाँ पे, तो 2 को हम उधर साइड ले जाएंगे, नंबर नंबर एक साइड। ओके, सो ये है। ओके, जैसे ये सब आप दे जब भी आप एक बार खोलें तो एक बार इसको देख लें। ओके, क्योंकि जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो इस तरह का आता रहता है। ओके, और जैसे अभी आपको होल स्क्वायर का फार्मूला बताया था, तो ये सब यहाँ पे यूज होता रहेगा। ओके, उसके अलावा जैसे क्यूब में आपको दिखाते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो हो गया, एक्स प्लस 1/ एक्स इक्वल एन, अब क्या करेंगे, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/ क्यूब हो जाएगा प्लस 3 एक्स इंटू 1/ एक्स
एक्स वन अपॉन एक्स, जब हम इसका क्यूब करेंगे ओके दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा एन क्यूब हो गया। अब ये कैंसिल आउट हो गया ओके, हमें क्या क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब प्लस थ्री, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे एन दिया हुआ है, तो थ्री एन हो जाएगा ओके इक्वल एन क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स क्यूब इक्वल उसको माइनस थ्री एन, इधर थ्री आ जाएगा तो थ्री एन हो गया माइनस थ्री एन। सो तो इसको भी जब भी आप खोलेंगे तो एक बार देख लेंगे अलजेब्रा ओके, ये सब आप याद कर लो, याद नहीं करना है प्रैक्टिस में हम आपको करवा देंगे, बस देखते चलो और लिखते चलो समझ समझ के होगी। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आया था अभी एन स्क्वायर माइनस टू आया था, ये यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस टू आया था आप देख सकते हो, तो इधर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस पे भी होल स्क्वायर कर देंगे ओके, तो इस पे अगर होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स का पावर फोर हो जाएगा प्लस वन अपान एक्स का पावर फोर हो जाएगा प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन अपान एक्स स्क्वायर, अब इधर आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू सॉरी प्लस फोर स्क्वायर फोर हो जाएगा माइनस टू इंटू टू इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा ओके। सो इधर क्या बचा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4, इधर क्या आ जाएगा n स्क्वायर और इधर प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4 n स्क्वायर हो जाएगा एंड ये 2 भी इधर आ जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इक्वल, तो ये 4 एन स्क्वायर इधर तो माइनस 3 एन स्क्वायर आ जाएगा माइनस 3 एन स्क्वायर, और ये इधर माइनस 2 इधर 2 है तो इधर 2 बच जाएगा ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस थ्री एन स्क्वायर, जैसे आपसे कोई पूछेगा क्वेश्चन भी कराएंगे तो भी आप ऐसे इसको कर सकते हो ओके, या तो इसको आप खोलो ही मत डायरेक्ट ही लिख सकते हो, जैसे कि इसको हम खोलते ही तो क्या आता था, ये तो आ जाता अगर हम खोलते नहीं तो एन स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर ओके, और फिर माइनस कितना आ जाता ओके, तो माइनस टू आ जाता क्योंकि टू जो हम इधर से ले आते तो इधर जो टू ले आते तो ये वाला टू यहाँ पे आ जाता ओके, ये जो टू था इधर ले आते तो आप इसको ये भी लिख सकते हो ये भी लिख सकते हो ओके ओके, ये नंबर है तो यहाँ डायरेक्ट पुट करोगे तो तुम आपको करने की जरूरत भी नहीं है ओके, मैंने हमें एक्स वाले पे कंसंट्रेट करना ठीक, तो हम यहाँ पे चौथा कर लेते हैं एंड अभी हमने क्या क्या निकाला है एक्स स्क्वायर प्लस
अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरा हमने भी क्यूब का भी निकाला है, आप ये देख सकते हो वो ए क्यूब वाला ही है। ओके, तो अभी क्यूब वाला एक्स क्यूब वन अपॉन एक्स क्यूब। ओके, तो यहाँ का हम गुणा कर देते हैं, क्या एक आया है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस टू, एंड अंदर वन इज एन एन क्यूब माइनस थ्री एन। ओके ओके, तो अभी हम क्या करना है इन दोनों को, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फोर ले आया, उसके पहले थ्री था, इसके पहले टू था, तो अभी हमने क्या करना है फाइव वाला ले आना है। तब इन दोनों को हम गुणा कर देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई इन दोनों का, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फाइव प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यूब यहाँ पे हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वन अपॉन एक्स पावर फाइव हो जाएगा। ओके, अब इसको जो है वैसे ही रहने, क्योंकि ये नंबर है तो इसमें बस जब पुट करेंगे तो सब अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, तो हमें इसमें ज़्यादा वो तो नहीं करना है। एन क्यू माइनस थ्री एन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ टू है, यहाँ पे टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बच जाएगा, यहाँ पे ऊपर एक एक्स बन जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्स पावर फाइव प्लस एक्स पावर फाइव, ओके, प्लस एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल, यहाँ पे यही देखते हैं, एन स्क्वायर माइनस टू एन क्यूब माइनस थ्री एन। ओके, अब यहाँ पे एक्स इसका क्या वैल्यू था, इसका वैल्यू था एन, अभी हमने शुरू में ही एक माना था, तो यहाँ पे एन हो जाएगा, था इसको एन उधर साइड लेते जाएंगे, तो एक्स का पावर फाइव, सॉरी एक्स का पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स का पावर फाइव, सॉरी ये फोर क्यों लिखते हैं, फाइव इक्वल एन स्क्वायर माइनस टू एन क्यूब माइनस थ्री एन, और ये एन आगे तो इधर माइनस एन हो जाएगा। ओके, ये भी आपको याद हो जाएगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ओके, क्योंकि जब भी आप बुक खोलो तो एक बार इसको देख लो। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स पावर सिक्स वाला कर लेंगे, चौथा था ये पांचवा, पांचवा तो वन अपॉन एक्स पावर क्यू प्लस, ओके इस फॉर्म में हम लिखते इसको, एक्स पावर क्यू प्लस वन अपॉन एक्स पावर क्यू। ओके, अब क्या करते हैं इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइड, इसका क्या वैल्यू आया था, क्यू वाला एन क्यू माइनस थ्री एन। ओके, दोनों साइड क्यूब ले लेंगे। ओके, स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड, क्योंकि हमें सिक्स वाला चाहिए, अभी क्या हमने पहले पांच वाला निकाला, उसके पहले चार वाला, उसके पहले तीन वाला, उसके पहले दो वाला। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स पावर सिक्स प्लस टू इंटू एक्स क्यू इंटू वन अपॉन एक्स क्यू, सॉरी क्यू
ओके इक्वल वही है यहाँ पे लिख देंगे का स्क्वायर है, तो इसको खोलने जा रहा है क्योंकि इक्वल नंबर रहेगा जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। एक्स पावर सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स पावर सिक्स प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या टू एन क्यूब माइनस थ्री एन ओके स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स सिक्स प्लस वन अपॉन एक्स पावर सिक्स और ये टू उधर चला जाएगा एन क्यूब माइनस थ्री एन एन स्क्वायर माइनस टू ओके। ये भी आपको याद हो जाएगा जब हम क्वेश्चन इससे प्रैक्टिस कराएंगे ओके। ओके ये वाला हो गया। अब सिक्स तक हमें क्या करना है, माइनस वाला भी ऐसे ही सेम में कर लेना है। तो आपको अभी वो पॉजिटिव वाला एक्स प्लस वाले में था, यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट नंबर टू, वो सारे कॉन्सेप्ट नंबर वन थे यहाँ पे, कॉन्सेप्ट नंबर कॉन्सेप्ट वन ओके। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट टू आ जाएगा, टू ओके। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल एन ओके। सो दोनों को साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे से, यहाँ पे माइनस आएगा ओके। ये जो टू है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ये टू उधर चला जाएगा ओके। तो एन स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा ओके। ये माइनस वाले केस में है ओके। ये माइनस वाला अगर ऐसा दिया है तो आप ये वाला यूज करेंगे ओके। अब यहाँ पे भी क्यूब वाला कर लेते हैं, दूसरे में ये एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल एन। अब दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं, एक्स एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन q माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स वन माइनस सॉरी एक्स अपॉन वन एक्स ओके इक्वल एन क्यू ओके। तो ये कैंसिल हो गया ओके। यहाँ बचा एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस थ्री जो है इधर, और ये वाला जो है ये एन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्स इसका एन हो जाएगा तो ये थ्री एन हो जाएगा, तो प्लस थ्री एन उधर चला जाएगा एन क्यूब। ये थोड़ा ग्लिच आ रहा है जो लाइनिंग आप दिख रहे हैं, प्लस थ्री एन ओके क्योंकि ये एन हो जाएगा पोर्सन ओके। तो ये हो गया, तो इसको भी आपको अभी आपको जब क्वेश्चन बताया जाएगा तब आपको थोड़ा समझ में आएगा ओके। अभी जब को भी किया जाए तो आप देख लीजिए ओके। यहाँ पे स्टार नहीं किए हैं दो, तीसरा थर्ड वन
ओके तो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस वाला है आपको पता है, इसका क्या वैल्यू आया था अभी, एन स्क्वायर प्लस टू आया था। ओके तो यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस टू। ओके अब क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, तो स्क्वायर पे क्या आ जाएगा, पावर फोर आ जाएगा, क्योंकि हम फोर वाला निकाल रहे हैं, वन अपॉन एक्स का पावर फोर प्लस टू इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल एन स्क्वायर प्लस टू, दोनों सारे स्क्वायर के हैं तो स्क्वायर ही रहेगा। ओके अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर इक्वल एन स्क्वायर प्लस टू होल स्क्वायर माइनस टू। इसको भी आपको देखते रहना है जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो। ओके अब क्या करेंगे, एक्स पावर फाइव वाला करेंगे, एक्स पावर फाइव तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाला जो है कौन सा नंबर था, इक्कीस से चौथा, दोनों को गुणा कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाला क्या था, ये प्लस पावर टू, और दूसरा क्या है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन क्यूब को गुणा कर देंगे। अब इधर क्या आ जाएगा, या इसका क्या वैल्यू आया था, आप देख लो, इसका इसका वैल्यू आया था एन स्क्वायर प्लस टू, तो एन स्क्वायर प्लस टू आया था, ये किसका आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस स्क्वायर क्यूब का क्या वैल्यू आया था, एन स्क्वायर एन क्यूब माइनस और प्लस थ्री एन, तो एन क्यूब प्लस थ्री एन। ओके इन दोनों का गुणा करना है, इधर का कुछ नहीं करना क्योंकि ये सब नंबर ही है, यहाँ पे हमें करना है, तो एक्स पावर फाइव माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, आपको ये सब सारे प्रोसेस करने नहीं है, ये बस ऐसे आपको एक समझ में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है। ओके ओवरऑल आवर पर्पसेस प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स पावर फाइव। ओके तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स बच जाएगा, तो एक्स का पावर फाइव माइनस वन अपान एक्स पावर फाइव। ओके और इधर क्या बचा है, ओहो ये ग्लिच आ जा रहा है, माइनस प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बचा है, इसका वैल्यू एन ही है। ओके इधर तो वही रह जाएगा एन स्क्वायर प्लस टू, और इधर आ जाएगा एन क्यू प्लस थ्री एन। ओके और ये तो एन है, तो क्या हो जाएगा, एक्स पावर फाइव माइनस वन अपॉन एक्स पावर फाइव। ओके तो इक्वल क्या हो जाएगा, ये एन है तो एन इधर चला चला जाएगा, एन स्क्वायर प्लस टू एन एन क्यूब प्लस थ्री एन माइनस एन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो मैं इधर आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो पावर सिक्स वाला भी हो गया।
चौथा ये पांचवा, तो हमें क्या क्यू वाला कर लेना है, क्यू एन क्यूब था प्लस 3n था। ठीक है, क्या करेंगे इन दोनों का, इसका करेंगे क्योंकि हमें x पावर 6 चाहिए, तो x पावर 6 प्लस 1 अपॉन x पावर 6 माइनस 2 एक्स क्यूब क्यूब इक्वल क्यू प्लस 3n, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6। ओके, और ये माइनस 2 उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा n, और इधर ये स्क्वायर लिया हुआ है ना, तो इधर वाले में भी तो आएगा n क्यू प्लस 3n। ओके, स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी प्लस 2 है क्योंकि माइनस इधर है, तो ये भी आपको याद रखना है, मतलब जब भी आप खोलो बुक एक बार दो बार देख लो, और हम क्वेश्चन तो सॉल्व करा देंगे तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आपको याद हो ही जाएगा। ओके, ये दोनों ये आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम करीब कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लगे अभी तक हम करा क्या रहे थे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब जैसे क्वेश्चन आ गया, इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 50। ओके, सो पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी आपको क्या फॉर्मूला पढ़ाया था इससे रिलेटेड, और यहाँ पे पहली बात देख लो, एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव वाला ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ एक क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला था एन स्क्वायर माइनस 2 था, ये 50 है, यहाँ 50 क्या हो गया, एन हो गया, तो एन क्या हो गया, तो 50 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2000 500 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 2498। ओके, दिस इज द आंसर। आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पूरा प्रोसेस नहीं करोगे, अगर आपको ये पता होगा तो आप तुरंत एक बार में ही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा जैसे इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल 20, तो जैसे कि क्यूब वाला आपको बताते हैं, तो आपको बताना है इक्वल क्या होगा। अगर आपको फार्मूला है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो पूरा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला क्या होता था, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन क्यूब इक्वल, इसका फार्मूला है एन क्यूब माइनस 3n। ओके, अब हमें यहाँ n क्या दिया हुआ है, n जो दिया हुआ है वो है 20, तो 20 का क्या करना है, हमें क्यूब करना है, कहाँ गया है, अच्छा ये है, तो
तो एन क्या हो गया यहाँ पे 20 का क्यूब करना है हमें, 20 का क्यूब माइनस 3 इंटू 20, तो 20 का क्यूब क्या हो जाएगा, 20 का क्यूब हो जाएगा 8000, तो ये 8000 हो जाएगा माइनस ये 60 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7940. सो अगर आपको पता है तभी आप ऐसा कर पाओगे. क्वेश्चन नंबर 3. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3, इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल 5 हो जाएगा. ओके, सो 4 वाला निकाल लेते हैं, x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 का वैल्यू क्या होगा. तो अगर आपको फार्मूला पता है क्या होता है फार्मूला, तभी आप आसानी से कर पाओगे जल्दी. फर्स्ट 1 अपॉन x पावर 4 इक्वल क्या फार्मूला था, और ये प्लस वाला है तो इसका फार्मूला पे प्लस वाला है, तो प्लस वाला क्या फार्मूला था, प्लस वाला था एम स्क्वायर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 था. तो एन क्या है यहाँ पे 5 है, तो 25 माइनस 2 और स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो अब यहाँ पे 23 हो जाएगा ये माइनस का, तो 23 हो जाएगा 23 का, 23 का क्या हो जाता है 529. ओके, माइनस 2 तो ये हो जाएगा 527. सो ये 4 वाला भी निकल गया, तो आप ऐसे आसानी से इसको फास्ट तरीके से कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 4. ओके, 4 में अब जैसे इसको इफ x प्लस 1 अपॉन x, वो थोड़ा ग्लिच आ रहा है, ओके वो जो लाइन खींच जा रहा है, इक्वल 10 हो गया, तो अब हम क्या करते हैं 5 वाला निकल लेते हैं, तो x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5 का आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है, ये आप तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका है x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5 इक्वल n स्क्वायर माइनस 2 एंड n क्यूब माइनस 3 n माइनस n. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. अभी यहाँ n क्या है, 10 है, तो 100 यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 माइनस 2 98 हो जाएगा, इंटू 1000 हो जाएगा, और ये 1000 सुनो कितना होगा, 1030 हो जाएगा, मतलब मीन 90 70, और यहाँ पे माइनस 10 हो जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 9 ये हो जाएगा 95060 माइनस 10, तो कितना आ जाएगा इसका 95050
जीरो। ओके सो आप ऐसे आसानी से प्रॉब्लम को, ऐसे ही एक टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ओके हम वो जो माइनस वाला भी उसको नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ओके आप ऐसे ही उसको सेम तरीके से फॉर्मूले रख के आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।